तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चूरन पर। और मैं इस समय बैठा हूं अपने स्टूडियो में। तो फिलहाल अभी भी गाइस अगर देखा जाए तो यार ये जब भी मैं आता हूं मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा। कितना अभी भी यहां पर जो है प्लास्टरिंग करनी है, ऊपर छत डालनी है, यहां पर प्लग्स लगाने हैं, बीच में एक दीवार लगानी है, और यहां पर मेरे पीछे जो है टॉयलेट वगैरह, बाथरूम सब कुछ, किचन भी यहां पर लगाना छोटा सा। लेकिन अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 5-6 साल लगेंगे ये सारा काम खत्म करने में। ये देखो कितना सारा गंद पड़ा हुआ यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि ये 3 वीक्स में खत्म होगा। तो उन्होंने बोला कि 3 वीक्स में खत्म हो जाएगा, बट आई डोंट नो। तो ये विंडोज भी लग चुकी हैं कुछ दिन पहले, वो वाली विंडो भी लग चुकी है कुछ दिन पहले। ये आई थिंक ये क्या, आई थिंक ये फोम है, कुछ फोम टाइप मटेरियल है। तो ये लगा है बिल्कुल दीवारों के बीच में, आई थिंक यहाँ पर लगेगा। तो ये सारा इसके पीछे जो है सारा ये फोम वाला मटेरियल लगा है। तो ये सर्दियों में घर को गर्म रखने के काम आता है। और यहाँ पर भी नया डोर लग चुका है, और बाहर देखे तो गंदी गंदी यहाँ पर। तो शिट यार। सो दिस इज स्टीव द मेन बिल्डर, द मेन मैन, मास्टर बिल्डर। सो दिस गाय कम्स इन एवरी फ्राइडे, टेक्स ऑल माय मनी एंड डिसअपीयर्स फॉर द वीक। ही कम्स बाय विद बार ऑन फ्राइडे। स्टीव इज द बेस्ट गाय। इस अगर स्टीव नहीं होता तो ये सारी जॉब करना आई थिंक हमारे लिए इम्पॉसिबल थी। और ये है हमारा किचन का ओवन। और या सो फार गाइस एकदम मस्त चल रहा है। इज इट लुकिंग गुड स्टीव? गुड। ओके गाइस, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बता कर रखा था कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है, और वो प्रॉब्लम है किचन की। ऑलरेडी हमारे कैबिनेट्स लग चुके हैं। तो ये हुआ है हमारे कैबिनेट्स, यहाँ पर जाएगा हमारा कुकर, और कुकर से जो हीट वगैरह निकलेगी वो यहाँ से बाहर जाएगी। ये है अपना क्या कहते हैं इसको, माइक्रोवेव, और ये है अपना फ्रिज। ऑलराइट, अभी प्रॉब्लम ये है किचन की। हेलो, प्रॉब्लम ये है किचन की। आपको पता है गाइस, मेरी मम्मी की हाइट जो है बहुत छोटी है। अभी मेन प्रॉब्लम हमें ये पड़ रही है कि ये जो कैबिनेट्स आप देख रहे हो तो वो ये रीच नहीं कर पाएगी। तो ये तो छोड़ो, जो ऊपर कैबिनेट्स लगे हैं वो तो बिल्कुल भी हमारे रीच के बाहर है। उसको तो मैं रीच नहीं कर पा रहा। हमें एक स्टूल रखना पड़ेगा यहाँ पर हाथ पहुंचाने के लिए। तो बस यही प्रॉब्लम है। सो फार फिलहाल ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि जब पूरा घर बन जाएगा तो एकदम मस्त लगेगा। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है मेजर प्रॉब्लम यार। यू नो, घर के बंदे जब वो कैबिनेट्स वगैरह रीच नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, जब बन जाएगा तो एकदम ठीक लगेगा। ये देखो, आपको ये पुराने हेडफोन याद है ना? तो गाइस, हेडफोन के बारे में बात करें तो मुझे बताया गया कि स्टील सीरीज के हेडफोन्स लेने हैं, वो मैंने ट्राई किए, बहुत बेकार है। उसके बाद मैंने रेजर के हेडफोन्स ट्राई किए, बहुत बेकार है। उसके बाद मैंने सबसे सस्ते दो पाउंड वाले हेडफोन्स ट्राई किए, बहुत बेकार है। मैं आई थिंक प्रॉब्लम पता है क्या है कि इन हेडफोन से मैं इतना यूज हो चुका हूँ ना, आई थिंक मैं पिछले 5-6 साल से यही हेडफोन्स यूज कर रहा हूँ, तो फिर से टूंग टूंग कर रहे हैं। तो मैं इतना यूज हो चुका हूँ ना कि मुझे कोई और चीज बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही। तो मैंने देखे थे और तभी और अभी मैंने डिसाइड किया है कि हम यही हेडफोन्स फिर से लेंगे। फिर से क्या लेंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं और वो आ भी चुके हैं। कल आए थे लेकिन मैं आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चला भाई, पकड़ा मेरे को यार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो एक बार फिर से गाइस, ये मैंने मंगवाए हैं अमेज़न से, और ये खोलो इनको। अगर इनकी क्वालिटी मेरे को अभी पसंद नहीं आई ना तो भाई कुछ कर दूंगा मैं ये हेडफोन्स के चक्कर में। तो लीजिए गाइस, तो ये है Kose Void Elite। ओह माय गॉड, Kose Void Elite। Elite का पता नहीं क्या मतलब है, बट ये कंपैटिबल है PS4 और PS5 का है। PS5 का है क्या था? डब्बे के अंदर डब्बा, तो डब्बा उसके अंदर, डब्बा उसके अंदर, ये डब्बा उसके अंदर, इसके अंदर भी डब्बा होगा। खुल जाए यार, ये खुलते कैसे हैं? अच्छा, यहाँ पर भी सील लगा है। एंड चरा हेडफोन्स। आपने क्या सोचा, डब्बे में से इंद्रधनुष निकलेंगे क्या? ये देखो, और ये है अपनी तार, और ये जो घटिया वाली तार हमने लेके रखी थी ना, ये जुगाड़ू काम देखो, देसी हैक्स। तो तार बेंड ना हो, ऐसे ऐसे बेंड ना हो,
तो हमने उसको ऐसे रबड़ के साथ बांध कर रखा ग्रैंड टोटके ग्रैंड टोटके। तो ये है ग्रैंड टोटका पहला नंबर वन। तो ये तार निकाल के इसको फेंको, नहीं चाहिए मेरे को। ये पुराने वाले हेडफोन्स भी फेंको, नहीं चाहिए। तो ये रही गाइस इसकी तार। ऑब्वियसली ये वायरलेस हेडफोन्स है, लेकिन वायरलेस की बैटरी चार्ज करने के लिए आपको ये वाली तार चाहिए। तो 2 मीटर की तार है, एब्सोल्युटली अमेजिंग होने वाली है। और ये है इसकी विंडशील्ड। तो मुझे बहुत से लोग बात कहते हैं कि जब आप बोलते हो तो आपके माइक्रोफोन में से फूकों की आवाजें आती हैं, तो वो फूकों की आवाजों को कवर करने के लिए ये शील्ड हम इसका यहां से खोलते हैं, खुल जा। तो ये शील्ड हम लगाएंगे इसके ऊपर कुछ इस तरह से, नमक स्वाद अनुसार घुस जा अंदर। तो लीजिए गाइस, एकदम से शील्ड हम इसके ऊपर लगा दिए, तो एकदम स्मूथ आवाज आने वाली है। उसके बाद है मैनुअल, लॉगी पढ़ के मेरे को बता दियो। उसके बाद आता है ये हमारा यूएसबी डोंगल। ये मैं कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पीछे लगा हुआ, तो ये नीड। फाइनली हेडफोन्स, क्या बात है, इसको निकालते कैसे हैं। और गाइस ये जो चीजें होती है ना, ये ग्रैंड टोटका नंबर 2 बता रहा हूँ आपको, एक वीडियो में 2 टोटके बता रहा हूँ आपको। ये चीजें फेंकता नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत काम आती है बाद में, तो इसको रख लिया करो आप भी। तो इसको यहाँ से उतारो फटाक से, और ये पर्ची इसको यहाँ से उतारो, यहाँ से उतारो। Now you talk in business, bro. और गाइस इसकी खास बात पता क्या है, तो मैंने अभी वीडियो में देखा था, मैंने खुद टेस्ट नहीं किया, तो मैंने वीडियो में देखा था कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। और ये इस तरफ क्यों जा रहा है यार, ये रॉकेट रॉकेट छोड़ना है मैंने आसमान के अंदर, ये ऐसे क्यों नहीं जाता यार, ऐसे जाए ना यार, शिट। चलो कोई बात नहीं, इतना मैनेज करना पड़ता है यार, नॉट बैड है। तो गाइज ये है मेरे पुराने वाले जो कि एक्चुअली यहाँ से टूट भी गए हैं, और ये है मेरे नए वाले। तो पुराने वाले पे आप देख सकते हो माइक्रोफोन के ऊपर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम भी किया गया है, और यहाँ पर इन्होंने चोर बाजार वाला काम किया है गाइस। यहाँ पर कोई आर्ट वर्क, कुछ डिजाइनिंग, कुछ भी नहीं है, और ये बस सिंपल ही है, लेकिन इस कंफर्टेबल, जो कंफर्ट मेरे को चाहिए, जो चीज मैं देख रहा हूँ वो मेरे को ये हेडफोन्स पक्का प्रोवाइड कर रहे हैं। पहलवान बकरी, तो भाई अभी मेरी बारी है। क्या मेरी बारी? तू पुराने वाले पर प्रैक्टिस कर। नहीं, प्रैक्टिस कर, कर, कर। ओके, अभी ये जो पुराना बॉक्स है गाइस, इसको फिर से पैक कर लेते हैं, क्योंकि कभी अगर 10 साल बाद रिफंड करवाना हो या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो डब्बा तो चाहिए ना उसका। अभी जब गाइस मैंने अपनी पोस्ट चेक की ना, तो मुझे पोस्ट में ये 2 कवर मिले। आपको याद होगा कि मैंने गैलेक्सी S10 S9 प्लस मंगा कर रखी थी, और उसके लिए मैंने जो कवर मंगाया था वो आज आया। तो देखो पोस्ट चेक कितनी फास्ट है, और इन चोरों को देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4S10E। और मेरे को ये समझ में नहीं आती कि इसके ऊपर चलेगा भी नहीं चलेगा यार। अब मैं इनको क्या बोलूं, अब मैं इनको बोलूं क्या, ये कवर और ये फोन, ये कैसे फिट आएगा इसके ऊपर? नहीं, बकवास की हद होती है, कैसे फिट आएगा? मतलब एक्चुअली कवर फोन से बड़ा है। करो पुलिस को फोन करो। साइकिल में गाइस थोड़ी बहुत हवा भी कम हो चुकी है, तो पंप में साथ में लेके आया हूं, और फटाफट इसके अंदर हवा ही भर देते हैं। और दूसरा मैंने सोचा था कि आज साइकिलिंग करने जाऊंगा, लेकिन आज तो लाइक कुछ एक्स्ट्रा ठंड पड़ रही है। नॉर्मल जो ठंड होती है ना, तो आज कुछ एक्स्ट्रा ठंड पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि आज 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 स्किप कर देते हैं, तो ये आज नहीं होगा मुझसे। तो ये देखो ऑलरेडी इसका जो है बैलेंस कम हो रहा है, तभी मैं कहूँगा जब मैं पैडल मारूँ तो स्पीड क्यों नहीं आ रही। तो मैं नॉर्मल इसका रखता हूँ 100-110 या 120 के बीच में, और अभी कुछ ज़्यादा ही कम है, तो इसको सेट करते हैं। इसको पानी की बोतल को रखो यहाँ पर, और मैं आ जाऊँगा एक्सरसाइज करने। तो अभी आप सोचोगे गाइस कितने ऊंचे विचार मेरे दिमाग में कैसे आए, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने रोटी खाई, 3 परांठे दबा दब राजमे के साथ मैंने खाए, और खाते समय मैंने सोचा कि जब रोटी खाने का टाइम है तो एक्सरसाइज करने का टाइम निकालना चाहिए हमको यार। तो ऐसे में अपनी हुडी पहन के, कान वगैरह गर्म रख के, और हाथ के ऊपर दस्ताने तो मेरे पास नहीं है, मैंने ऑर्डर कर रही हैं, तो दस्ताने भी आ जाएंगे, तो दस्ताने पहन के एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग में इतना काफी है, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।